इतना से बात खातिर इतना परेशान काहे हो खतबानी? मुंह बंद करो। पी के तमाशा करे वाला हमार बेटा पियकड़ है का? हमार बेटा अकलमंद है पर हम ओकर जान बानी। भले ओके ओके फोन न करे, बाकी हमके तो जरूर करिए। हमके फोन न कइले हा मतलब कोनो खतरा में होके सोच के फिकर हो रहा लगा। तू ही सब बोलत बाड़ू, पार्टी दारू का के कुछ बोलते जा रहा बाड़ू। चार बात सुन ले बानी, यही से तो बोलनी है ना, खुद से थोड़ी ना बोलत हन। ई घर के बारे में ही बात कर रहा बानी ना, केहू के कुछ बोल दा तो समझे ला ही ना। हमर किस्मत खराब, कुछ बोल भी ना सकेली का। ई का माझी बेवजह ही फिकर करतानी, ओके कुछ ना होके सलाह दे रहल बाड़ू की दिलासा। ई सब के कारण तू ही बाड़ू, वो लैपटॉप के हुआ और खरीद लेते तो बात खत्म हो जाए। तू के डांट लो यही कारण ई सब भाई, और वो वहाँ से चल गई। ओके पास से गो फोन भी ना आयल, मतलब का भाई लोकी जाते समय अब शगुन भी भाई रहे, कद्दू गिर गई रहे। ना जाए खातिर कहने फिर भी चल गई लू, कुछ गलत हो लोकी ऐसा लग रहा ला। हमार दिल घबरा रहा ला। माँ जी रोई माँ, ओके कुछ ना होके कहा था नी ना, माँ की टैबलेट दे दी। दे ले रहनी वो ना लेनी, इका हमा जी जब तक वो आई ना हमके कोनो दवाई ना चाहिए, ना खाई भाव। अगर टैबलेट्स ना खाई तो बीपी बढ़ जाए, वो आके आपके देख के दुखी हो जाइए। अर्जुन के दुखी ना देखे के चाहता नहीं, आपके दवाई खाए क्योंकि माँ जी रोई मत। दुर्गा टैबलेट्स दे दो हम खा ले बतानी। भैरवी केहू के राह देख रहल बा का? ऐसन कुछ भी नहीं है पापा। रुका ठीक है, सीधा अंदर आ रहल बड़ा। लाश के पास जे भी जाला ओकरा पास मौत के मैल होखेला, घर के अंदर नहीं जा सकत। जाके पहले स्नान कर ला वीरभद्रम। हाँ चाचा जी। इंतजाम करो। हाँ कहे लाश के पास अइला के बाद नहा के घर में घुसे के चाहिए, जानत नहीं का। पढ़ल लिखल लोगन के था किताब के अलावा और कुछ सूझे नहीं ना। पढ़ल लिखल लोग के सब बात पता हो के ऐसा कोनो रूल नहीं खे। अच्छा लेकिन पर लाइन मारे लव कैल तो अच्छा तरह से जाने लाई, जब पता नहीं खे तो पूछ के जाए के चाहिए ना। ए, बड़ा लोग बुलाता था समझ सकता नहीं, तू बीच में काहे बुलाता रहा। उम्र में भले ही छोटा बानी, ये घर के वारिस बानी हम। हमार दादा जी के बाद कल के होके वाला गांव के बड़ा आदमी बानी हम। अभी हम तारा ना बताइब तो कल गांव वालन के कैसे बता पाई। नहा के बदले खातिर हमरा लगे कोनो कपड़ा नहीं खे। नहीं खे तो हम कपड़ा लाके दे बेटा, जाके नहा के आवा। हमरा के और के कपड़ा पहने की आदत नहीं खे। देखा बेटा दोसर के कपड़ा पहनल अगर पसंद नहीं खे था नहावे के बाद आपन ही कपड़ा पे हल्दी पानी छिड़क के वही पहन लिया। बेटी भैरवी। हाँ दादी। इनका पीछे तरफ के रास्ता दिखा दा। हमके काहे कह रहल बानी दादी के पास अकल नहीं थे। इतना सा बात खातिर भैरवी के काहे सासु मां, हम दिखा देब ना। ए चलो तू काहे परेशानी उठेबा, लड़की बाड़ी ना। ऐसे काहे खड़ा बाड़ू, चला। बेटी भैरवी आवा बेटा। अरे का फसा देनी हमके। भैरवी ये लड़का के पीछे तरफ के रास्ता दिखा दा। ठीक बा दादी। सर आई आपके लैपटॉप की वजह से इतना कष्ट उठावे के पड़ी सोच ले ना रहा। सर आई जाई। ई का दादी ई दोनों के काहे भेज देलू? ई दोनों के बारे में अगर जाने के होखे ता ऐसन पैतरा के इस्तेमाल करे के पड़ेला, उ दोनों के बीच में कुछ हो नहीं खे। हाँ ई हमनी के पता लगावे के होगी ना। ओहो हाँ तू जा उनकर पीछे जाके उन लोग का बात करे ले, उन पर नजर रखी हा। ठीक बा दादी हम जाता नहीं। जा
स्विच ऑफ काहे कर रख ले हाई। सुनी आपसे मिले पंडित जी आई बड़े। नमस्कार नायडू जी। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बैठे। आई। नमस्ते स्वामी जी। नमस्कार बेटी। कॉफी लेके आई का? कुछ ना चाहिए बेटी, पूर्णिमा के दिन बना, आज पूरा दिन हमार उपवास होखेला। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार बेटी। कहा पंडित जी, कैसे आयल भाई, कोनो विशेष काम बाका? हम आपके एगो बहुत ही खास बात बतावे आयल बानी। ग्रह के स्थिति कुछ ऐसन बाकी, अगर देखल जाए तो राहु केतु के प्रभाव से संकट आवे के संभावना बा, जेकरा कारण अत्यंत ही अनर्थ होखे के संभावना बा। आज के दिन अकाल मौत मरे वाला वो ब्रह्मैया के मौत भी ग्रह स्थिति के कारण भइल बा, ऐसन हमार मानल बा। ऐसे ही होखेला भैया, राहु केतु के प्रभाव तो ऐसन ही होखेला, ना उठे देला ना बैठे देला, हिला देवेला। तू रुक जा, ई ग्रह दोष निकाले खातिर कोनो पूजा करे के पड़ी का? हमरा हिसाब से तो राहु केतु के प्रभाव 3 या 4 दिन से बेसी ना रह सकेला, यही से ई पूर्णिमा जब तक खत्म नहीं खे होखत, एक गांव में कोनो भी नया इंसान के आइल, चाहे गांव में रहे वाला केहू भी, एक गांव के सीमा के पार करे से बचे के चाहिए। मतलब जैसे कोनो मेहमान? सिर्फ मेहमान ही होके ऐसा बात नहीं खे, केहू के घर पर भले केहू आइल होके, गांव वाला होके, रिश्तेदार होके, दोस्त होके, केहू भी होके, उनके यहाँ से ना जाए के चाहिए। अगर इस चीज के पालन कर जाए तो अपशगुन होके के खतरा ना रहे। पंडित जी, ये तो हर साल होखेला ना, ऐसा कहता नहीं कि यही साल हो कि पूर्णिमा के दिन बाहर नहीं के आवे के, तो बरसों पहले का प्रथा, फिर अभी आप ग्रह वरह की बात काहे कर रहल बानी? हम ये अपना अंदाजा के हिसाब से कहत बानी, काहे कि ये साल जौन बा प्रभाव कुछ बेसी ही बढ़ गई बा। हमार कर्तव्य बाकी नायडू जी के हमें बारे में सूचित कर दी। ये क्या पंडित जी, कितना बार कहे? पंडित जी जैसा कहा तो जाके बोल दा कि बाहर के गांव वाला हमनी के गांव में और हमनी के गांव वाला बाहर न जाए, ऐसा घोषणा कर दा। ठीक बा, हम इंतजाम कर चलत बानी। नमस्कार। हाँ नमस्ते। अब हम चलत हनी। तू नहीं खा जा सकत, अभी अभी पंडित जी कहले है ना, तो सुन ला ना का? ना था। 5 दिन तक तोरा इजे रुके पड़ी। व्हाट? ईका सर, हमरे साथे जोक करते नहीं का? अरे ईका, तोरा जानबूझ के काहे रोकब, तू हमनी के रिश्तेदार चाहे दोस्त बड़ा का? ये पूर्णिमा के 5 दिन तक गांव छोड़ के तू नहीं जा सका, जइबो तो बहुत बड़ा खतरा होखी, पूर्णिमा के बाद चल जाइ। ईका सर, जाम तक खतरा बाई का तनी रुके, हम तो सलामत रहे, हमरा को समझ में नहीं क्या हुआ। वैसे भी जब से अल्पनी देखा था नहीं हम, एक गांव वाला लोग कुछ अलग ही टाइप के बात। कहे हमनी के गांव वालन के बारे में बात करे के हक या अधिकार तुम्हारा पास नहीं खे? जब नहीं खे ता हमरा के भेज दी ना सर, अगर हम उचा ना जाए ता हमरा बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो जाए सर, ये लैपटॉप में ही सब कुछ बा। ये हमनी के गाँव के प्रथा बा, ओकरा पैसा से या समय से मत कीना। ये बहुत अन्याय बा, हम आपके कोनो रिश्तेदार या परिवार नहीं की, हम तो एक गांव के भी नहीं की सर, ऐसन प्रथा और रिवाज के आपके रिश्तेदार और आपके घर वालन के और आपके गांव वालन के पाले के चाहिए, हमरा पे काहे थो पता नहीं सर, कोनो संबंध ना रखे वाला हमरा पे ये सब जबरदस्ती करता नहीं, हमरा समझ में नहीं ख्यावत। तू हमने खातिर और हमने तोहरा खातिर कुछ ना होखा, पर अभी तू हमनी के गाँव में रह रहल बा, हमारे घर में जैसे हमारे बात सुनने की जिम्मेदारी तोहरा पे। देखिए सर, आप ही गांव के बड़का साहब या बड़ा बुजुर्ग हो सकता नहीं, आपके सलाह, आपके आदेश, आपके घर वालन के, आपके गांव वालन के बताएं तो अच्छा रहे, हमरा पे आपके अधिकार चलाओल कहा हमरा समझ में नहीं क्या हो। सर, आपके खातिर आपके प्रथा जितना मुख्य बा, हमरा खातिर हमारे